दावा किया। बिहार के छपरा में बाढ़ से बेहाल लोगों ने सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलने पर कई गांव खाली कर दिए। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद पूरे इलाके के कई गांव पानी में डूब गए, जिसकी वजह से परेशान लोग मजबूरी में अपने अपने गांव खाली करने लगे। इलाके में कमर तक भरे पानी के बीच से लोग अपनी जरूरत का सामान कंधों पर उठाकर सुरक्षित इलाकों में चले गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को उसे पार करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। छपरा बाढ़ से प्रभावित है और प्रभाव इस कदर है कि कई इलाकों में संपर्क टूट गया है गांवों का सड़क से। गंगा नदी का पानी घुसने से पूरा इलाका पानी में डूब गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक नाव की मदद भी नहीं मिली, जिससे इलाके के लोग नाराज दिखे। 7-8 दिन हो गया। 8 दिन में कौन कौन यहाँ पहुँचा है? सीओ साहब, वीडियो साहब? तो हम लोग के सामने कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है? विधायक जी? इलाके के कई स्कूलों को पानी भरने के बाद बंद कर दिया गया। कुछ जगह तो इतना पानी भर गया कि बच्चे एक ट्यूब लेकर उसमें खेलने लगे। पाठन का जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ स्विमिंग पूल में देखे जो बच्चे हैं तो यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं। पानी भरने और गंदगी बढ़ने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया, जिससे इलाके के लोगों की मुश्किल और बढ़ गई। छपरा के ही दूसरे इलाकों से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई। पानी भर जाने की वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। और लगातार बढ़ते पानी के बीच से लोग अपनी भैंसों को लेकर भी सुरक्षित जगहों की तरफ निकल गए। जिन इलाकों में कल तक पूरा गांव बसा था, वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कुछ दिन पहले ये एक छोटा सा मोहल्ला था जो कि देरा में बसा हुआ था, दिलिया रहीमपुर इलाका है, और ये बाढ़ के कारण देखिए किस तरह से यहाँ पे हालात बन चुके हैं। झोपड़िया जो है पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। पानी से निकलने के लिए कुछ लोगों को नाव नसीब हुई तो कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ही सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करने लगे। भैया इनाद लेके कहाँ जा रहे हो? अच्छा। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने से कई लोग पानी के बीच फंस गए। सड़कें बंद होने से इनके पास खाने पीने के सामान की भी भारी कमी हो गई। बिहार के अररिया में बच्चा चोरी के शक में इलाके के लोगों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामले की खबर मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने पिट रहे लड़के को लोगों से बचाने की कोशिश की, जिस पर वहां के लोग पुलिस पर भड़क गए और पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। गुस्साए लोग पुलिस से उलझ पड़े और लड़के को गाड़ी में बैठा कर ले जा रही पुलिस को मौके से जाने से रोकने लगे। आरोपी लड़के को इलाके के लोगों ने गाड़ी से खींचने की कोशिश की। गुस्साए भीड़ पर 3 पुलिस वालों को भी पीटने का आरोप है। बताया गया कि जिस लड़के को लोग बच्चा चोर समझ रहे थे, वो अपने पिता की दुकान पर जा रहा था। उसी बीच इलाके के लोगों ने उसे पकड़ लिया और बच्चा चोर बताकर उसे मारने लगे। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच जारी है। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार ट्रंप सरकार बोलने पर विपक्ष भड़क गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप की खूब तारीफ और 50,000 लोगों से खचाखच भरे एनआरजी स्टेडियम में दोनों नेता एक साथ मंच पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर लोगों का अभिवादन किया और अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दिया गया अब की बार ट्रंप सरकार का नारा याद दिला दिया। Have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस बयान को भारत की विदेश नीति के खिलाफ माना। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब दूसरे देश के दौरे पर होते हैं, वहाँ की अंदरूनी राजनीति या चुनावी राजनीति में हमने कोई पक्ष नहीं लिया। प्रधानमंत्री को जो परंपरा रही है उसका सम्मान बनाए रखना चाहिए। लेफ्ट को भी ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री ने ये बोलकर ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार किया है। की बात ट्रंप सरकार की बात कहे वहाँ जाके, तो ये हम समझते हैं कि देश के मतलब अपनी जो कानूनी परिस्थिति है उसके खिलाफ जा रहा। हालांकि बीजेपी को प्रधानमंत्री के बयान में कुछ गलत नहीं लगा। अभी वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, उन्होंने क्योंकि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप वहाँ लोकप्रिय हैं तो उनकी पीठ थपथपाई है मोदी जी ने। अमेरिका में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। बिहार के खगड़िया में बाढ़ विकराल रूप धारण करती जा रही है। 22 से ज्यादा पंचायतों के बाढ़ से प्रभावित होने का दावा किया गया। बाढ़ ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई इलाकों में पानी लोगों की कमर से भी ऊपर तक भर चुका है। इलाके के स्कूल, घर, दुकान, मकान, सड़क सब पानी में समा चुके हैं। 22 से ज्यादा पंचायतों के लोग इस बाढ़ के काल से जूझ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से 50 नावों को बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पानी में उतारने का दावा किया गया। 22 जगहों पर राहत शिविर बनाने की बात भी अधिकारियों की तरफ से कही गई। बाढ़ की स्थिति जरूर गंभीर है और हम लोग का सभी जगहों पे नियमित रूप से
कैंप का संचालन हो रहा है, कम्युनिटी किचन चालू है। पाकिस्तान की सीमा के पास बसे पंजाब के तरन तारण में 4 सितंबर को एक खाली प्लॉट में हुए धमाके के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि इस बम धमाके के बाद पकड़े गए 7 आरोपियों के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी उस्मान से जुड़े थे, और आतंकी उस्मान ने ही पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए इन 7 आरोपियों को तैयार किया था। खबर है कि इनमें एक आरोपी व्हाट्सएप कॉल के जरिए लगातार आतंकी उस्मान से संपर्क में था। बताया गया कि आतंकी उस्मान ने अलग खालिस्तान के नाम पर उन लोकल सिख लड़कों को भड़काया था, जिसके बाद ये आरोपी कुछ कश्मीरी आतंकियों के साथ मिलकर तरन तारण में एक खाली प्लॉट में बम बनाने में जुटे थे। लेकिन बम बनाने के दौरान ही धमाका हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी में बकाया वेतन और अन्य भत्तों की मांग कर रहे सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। इन लोगों ने प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी जीवीके पर समय से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया, जिससे नाराज सभी कर्मचारियों ने एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी। कन्नौज में एकजुट हुए कर्मचारियों ने जीवीके कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। जीवीके की शोषण नीति। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए। 3 महीने से वेतन नहीं आया, हम क्या खाएं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, और खाली पेट जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। इस हड़ताल का असर रायबरेली में भी देखने को मिला। सभी ड्राइवरों ने एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी और मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय इंगित करेंगे वैसा कार्य करेंगे। हड़ताल की वजह से पूरे प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं ठप हो गई, जिसके बाद सरकार ने जरूरी सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखने के लिए बनाया गया कानून एस्मा लागू कर दिया। अति आवश्यक है कि हमारे 102 और 108 एम्बुलेंस बंद न हो, एस्मा लगे। लेकिन सरकार की सख्ती के बाद भी हड़ताल जारी रही और हड़ताल पर गए कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।